26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। हर इस वर्ष हर छात्र छात्राओं को युवाओं में उत्साह सुबह नगर फेरी का उत्साह तथा जोश दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर के सभी विद्यालयों में शासकीय एवं निमशासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। सर्वप्रथम नगर परिषद कार्यालय में मुख्याधिकारी किरण बागड़े के हाथों नगर परिषद कर्मचारी तथा पूर्व नगर सेवकों की उपस्थिति में तो वही बाजार चौक जस्तम स्थल पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल के हाथों कांग्रेस कमेटी सचिव विजय बसवार की प्रमुख उपस्थिति में तथा सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सामूहिक ध्वजारोहण संपन्न हुआ। नगर परिषद हाई स्कूल के प्रांगण में प्रातः 9:15 पर उप विभागीय अधिकारी संपत खलाटे के हाथों तहसीलदार मलिक विरानी, थानेदार रविन्द्र मानकर, नायब तहसीलदार संदीप डाबेराव, विजय कोहे, डॉक्टर मंजूषा ढोबरे, डॉक्टर संदीप गुजर, डॉक्टर भगत, डॉक्टर शिवम पुन्यानी, शैलेश जैन एवं अन्य शहरवासियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के बाद शहर के स्वतंत्रता सेनानियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप विभागीय अधिकारी संपत खलाटे द्वारा सावनेर सहायक थानेदार शरद भस्मे के नेतृत्व में सहायक महिला थानेदार मंगला मुकेश, पुलिस होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट, एनएसएस कैडेट, अग्निशमन विभाग, नगर परिषद सावनेर, स्वास्थ्य विभाग आदि द्वारा पथ संचलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर शहर के सभी स्कूलों के छात्र छात्राएं द्वारा मॉक ड्रिल तथा सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया गया। जयस्तंभ बाजार चौक नगर परिषद हाई स्कूल सावनेर सुभाष प्राइमरी हिंदी स्कूल, मराठी अभ्यंकर प्राइमरी स्कूल, पलिया हिंदी सारस्वत पब्लिक स्कूल, सेंट जॉन कॉन्वेंट आदि स्कूलों में मुख्याध्यापकों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। आयोजित ध्वजारोहण में नगर सेवक सुनील साफीकर, पूर्व नगर सेवक तेज सिंह साहूजी, माया बंदेले, शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष दिलीप घटे, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष वंदना कुंभारे, पत्रकार दीपक कटारे, लक्ष्मीकांत देवटे, नीलेश पटे, दीपक बसवार, शफीक सैयद, वरिष्ठ शिवसैनिक उत्तम कापसे, पांडुरंग भोंगाड़े, अश्विन कारोकर आदि के साथ अन्य भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयोजन के सफलार्थ तहसीलदार कार्यालय सावनेर तथा नगर परिषद सावनेर के सभी कर्मचारियों ने अथक परिश्रम लिए। मलिक विरानी तहसीलदार सावनेर ने उपस्थित गणमान्यों का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम मैं अपने सारे शहरवासियों को इस स्वतंत्र दिन की अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को ये स्वतंत्र दिन दिल से मुबारक हो। ये सावनेर शहर का जय स्तंभ हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारे सावनेर वासियों ने अपने छाती पे गोलियां खाकर यहाँ पे जो बलिदान दिया अपने आज़ादी के लिए, उसका ये प्रतीक एक जय स्तंभ है। हम सब 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे इस स्वतंत्र दिन को याद करते हैं और ये जश्न मनाते हैं। ये आज़ादी का पर्व है। हमारे सारे शहरवासी इस पर्व में आकर हमारा हिस्सा लेते हैं, हमारा उत्साह दुगनी करते हैं। इसके लिए मैं उन्हें ढेरों सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमें इस बात का हमेशा खेद रहता है कि इस आयोजन पर निमंत्रित करने के बाद भी हमारे शहर के अधिकारी यहाँ आने से हिचकते हैं, आ नहीं पाते हैं। उन्होंने भी सावनेर के इस जश्न में हमारे आज़ादी के योद्धाओं को याद करने के लिए, हमारे आज़ादी को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। आशा करता हूँ वे इस महत्व को समझेंगे और हमारे इस पर्व को और ज़्यादा उत्साह से मनाएंगे। धन्यवाद। ABC न्यूज़ के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले।